हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। देश भर के बच्चों और उनके माता पिता के लिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जी हां, यह बड़ी खबर देश भर में स्कूलों के खोलने को लेकर है। लगातार स्कूलों के खुलने की अटकलों के बीच सरकार ने एक बार फिर स्थिति साफ की है। सरकार ने कहा है कि कोरोना संकट काल में स्कूलों को खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी कर कहा है कि जब भी स्कूल खोले जाएंगे या उन पर फैसला लिया जाएगा तो उससे पहले गाइडलाइन जरूर जारी की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने स्पष्ट किया कि अभी सरकार ने देश भर में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। देश भर में स्कूलों के खुलने को लेकर लगातार आ रही खबरों के बीच सरकार ने तस्वीर एक बार फिर साफ की है। सरकार ने कहा है कि इस वक्त स्कूलों को खोलने पर कोई फैसला नहीं किया गया है। देश भर में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जैसे शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी और कहा कि इस संबंध में जो अटकलों का बाजार गर्म है उसमें तस्वीर यह है कि इस वक्त देश भर में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त जो देश भर के स्कूलों के बच्चे और उनके अभिभावकों से जुड़ी है। देश भर में इस वक्त स्कूलों को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने कहा है कि स्कूलों के खुलने का, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के खुलने का जब ऐलान किया जाएगा तो उससे पहले इसकी गाइडलाइन जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनलॉक में जहां एक और सब कुछ खुल रहा है धीरे धीरे, स्कूल भी जरूर खोले जाएंगे, लेकिन इस वक्त सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। न्यूज़ टुडे दरभंगा के लिए संतोष झा की रिपोर्ट।